ये रिश्ता क्या कहलाता है। ससुराल सिमर का सुपर सिस्टर में काम कर चुकी वैशाली टक्कर की मौत के बाद एक एक करके इंडस्ट्री के तरफ से भी रिएक्शन सामने आने लगा है। अब इनके सबसे अच्छे दोस्त रहे और ऑन स्क्रीन भी काम कर चुके रोहन मेहरा की तरफ से आया है सनसनीखेज खुलासा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एक्ट्रेस के इस फ्रेंड ने आखिर क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर और उनकी शादी को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर लीजिए देख तमाशा टीवी को सब्सक्राइब। दोस्तों, हमेशा हस्ती खेलती वैशाली ठक्कर ने जब संडे को मौत को गले लगा लिया तब पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ इनके फैंस शॉक की लहर से चल गई। ऐसे में बहुत सारे लोग के अब कमेंट आ रहे हैं और लोगों को इनकी ज़िंदगी के बारे में और भी ज़्यादा जानने को भी मिल रहा है। वैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं काम कर रहे रोहन मेहरा का कहना है कि वो बहुत खुश थी क्योंकि वो उनकी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली थी। उसने मुझे इनवाइट भी किया था और इसमें मैं शामिल होने वाला था। दो दिन पहले ही बात हुई थी, वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छी तरह से बोल रही थी, वो परेशान नहीं थी। पिछले कुछ महीने से ही परिवार के साथ में थी और पाँच छः तारीख को मुंबई आना था लेकिन हो गया और अब अच्छी तरह से हमने अच्छी तरीके से बात की और बहुत ही हंसी मजाक भी किए। अब जब वैशाली ठक्कर रोहन मेहरा का ये भी कहना है कि वो शादी करके यूएसए में सेटल होने वाली थी क्योंकि उनके जो मंगेतर थे वो यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी हो रही थी। ऐसे में रोहन मेहरा की तरफ से ये खुलासा आने के बाद और भी कई सारे एक्टरों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। खैर, आप किस तरीके से रिएक्ट करना चाहोगे और आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा इस पूरे पॉइंट ऑफ। आखिर क्या वैशाली ठक्कर की ज़िंदगी का खलनायक राहुल ही था या इस स्टोरी के पीछे और कुछ बड़ी वजह है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।